टू माई चैनल, मेरा नाम प्रीति वारी है और आज मैं आप लोगों को साइड वन हेयर स्टाइल ब्लॉग बताने वाली हूँ, जो कि साड़ी पे, गाउन ड्रेस पे, पार्टी वेयर, शादी में आप ये हेयर स्टाइल बना सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने ईयर काट दूँ, यहाँ पे इस तरीके से एक लाइन बनानी है। ये ध्यान रखिएगा, एक लाइन में ही आपको पीसिंग करनी है। तो ये जो ऐसे सेट कर देते हैं ताकि इनको ऐसा बनाने में दिक्कत ना आए। फिर आपको सेकेंड लेयर स्टार्ट करनी है। तरीके से बना के मैंने आपका राउंड फेस है, थोड़ा सा इसको इस तरीके से खींचिएगा जरूर, थोड़ा पफ का लुक आना चाहिए। इसके बाद आपको सारे बालों को एक साइड कर लेना है। यहाँ पे एक रबर बैंड लगा दीजिए। इसके बाद आप चाहो तो सारे क्लिप्स को निकाल के और दोबारा से एक बार अच्छे से अटैच कर लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, कंफर्टेबल रहो आपके लिए। इस तरीके से बना के आप चाहो तो सिंपली ऐसे भी छोड़ सकते हो ये हेयर स्टाइल, और चाहो तो इसमें आप बन बना सकते हो। बन बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ऐसा एक स्टफ़ी ले लेना है। ये स्टफ़ी मैंने खुद ही बनाई है, मेरे चैनल पे इसका वीडियो है कि कैसे बनाना है आपको। इस तरीके से इसको लपेटना है। इसको यूपीन की मदद से टाइट कर देना है।
अच्छे से यू पिंस लगाने के ताकि आपका हेयर स्टाइल बिगड़े ना और लंबे टाइम तक टिका रहे, क्योंकि शादी पार्टी है तो कम से कम आपको 8-10 घंटे हेयर स्टाइल रखने का ऐसे चाहिए। और थोड़ा सा लूज रखना है, टाइट नहीं करना है ज़्यादा। अभी हमारा हेयर स्टाइल कम्प्लीट हो गया है, मैं एक दो और यू पिंस लगा रही हूँ ताकि मैं थोड़ा लंबे टाइम तक टिका रहे। और जहाँ से हेयर निकल रहे हैं उसको अब अच्छे से कवर करके दो मिनट के अंदर इस तरीके से इन कर दूँ और क्लीन कर दूँ तो ये नहीं निकलेगा। आप किसी और का बनाओगे तो बहुत प्यारा लगेगा, खुद से भी बनाओगे तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप देख लो मेरा फाइनल लुक हेयर स्टाइल का। ये था आज का हेयर स्टाइल, कैसा लगा आप लोग को जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फिर मिलेंगे नेक्स्ट हेयर स्टाइल के साथ, तब तक के लिए बाय। अच्छा आप इधर से लेयर्स भी निकाल सकते हो, लेयर्स निकालोगे तो ज़्यादा प्यारा लगेगा। और इसको पर्स कर लीजिएगा लेयर्स निकालने के बाद। मैं एक और बिना स्टफ़ी के आपको बता रही थी, क्योंकि सबके पास स्टफ़ी अवेलेबल नहीं होती है, तो इसके लिए आपको ये वाला हेयर स्टाइल पहले ओपन कर। तो विदाउट स्टफ़ी आपको कैसे हेयर स्टाइल बनाना है, आपको सिंपली जो आपने ये वन पॉइंटर बनाया है इसको टू पार्ट में डिवाइड करना है, फिर जो आपने एक पार्ट था उसमें से टू पार्ट और डिवाइड करना है और इनको आप अपने लपेट देना है इस तरीके से। जो आपका हेयर बचा है इसको भी टू पार्ट में डिवाइड करोगे और जैसे आपने पहले बनाया था उसी तरीके से छोटे वालों में भी आप इस तरीके से हेयर स्टाइल बना सकते हो और हेयर स्टाइल बन को अपना बड़ा दिखा सकते हो, अपने बन को बड़ा दिखा सकते हो। मुझे तो बिना स्टफी वाला ही ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन आपको अगर बड़ा बन दिखाना है तो, और आपके बाल छोटे हैं तो आपको स्टफी और कफ यूज करना पड़ेगा या फिर डोनेट यूज करना पड़ेगा। तो अगर आपका रबड़ दिख रहा है तो रबड़ को इस तरीके से हाइड कर देना, रबड़ नहीं दिखना चाहिए क्योंकि ये बन है तो बन में आपका जो पोनीटेल का रबड़ होता है वो दिखता है तो अच्छा नहीं लगता। तो इसके लिए वाओ, तो ये हमारा हेयर स्टाइल कंप्लीट हो गया है आपका। ये फूल मेरा यहाँ से बाल बहुत छोटा है इस वजह से निकल गया मेरा ये ट्विस्टिंग जो मैंने किया था, तो इसको दोबारा से इस तरीके से अटैच कर देना है। और ये है बन का फाइनल लुक, मैं 2-3 पिंस और लगा देती हूँ क्योंकि मुझे ये शाम तक रखना हेयर स्टाइल। तो ये बन गया हेयर स्टाइल, साइड बन हेयर स्टाइल क्योंकि छोटे बालों में भी काफ़ी प्यार लगता है। बैक का लुक सेम रहेगा जो आपने पहले। आई होप की वीडियो पसंद आई हो और अच्छा लगा हो आप लोग को, थोड़ा डिफरेंट करने की कोशिश करती हूँ मैं हेयर स्टाइल्स के साथ। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके साथ में लगे पहले प्रेस कर दीजिएगा, ड्रेस डिजाइनर फेस वाली वाले चैनल पे जरूर जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक मैं अपना ख्याल रखिए, मुझे सपोर्ट कर देंगे। बाय बाय।